नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो क्या यह खबर रहेगी, कर्मचारियों से जुड़ी हुई तमाम खबर आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कर्मचारियों से जुड़ी क्या यह खबर है। तो 180,000 कर्मचारियों को इस दिन मिलेगा नया वेतनमान, विकल्प देने के लिए अतिरिक्त समय मिला। हिमाचल प्रदेश में आज लगभग 180,000 कर्मचारियों को नया पे स्केल मिलेगा। अब विभागों के करीब 20,000 कर्मचारियों को यह पे स्केल देना शेष रह जाएगा। इस पर अभी इन कर्मचारियों की ओर से नए वेतन के लिए तीनों विकल्प सुझाए गए थे। लगभग 10% कर्मचारियों को अभी नया वेतन नहीं दिया जा सकेगा। वहीं इन्हें विकल्प देने के लिए 15 अप्रैल का अतिरिक्त समय दिया गया है। कर्मचारियों को 2.25, 2.59 के गुणकों के अलावा 15% वृद्धि का तीसरा विकल्प दिया गया है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने विकल्प सुझाने के लिए अब नई अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2022 तय की है। सक्सेना ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वे हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन 2022 के तहत 15 अप्रैल तक अपने विकल्प सुझा सकते हैं। नया वेतनमान जारी करने की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार कर्मचारियों को दो विकल्प दिए गए थे। ये 2.25 और 2.59 के गुण के थे। इसे 11 फरवरी तक बढ़ाया गया। कर्मचारियों की ओर से मांग उठाए जाने के बाद उनके लिए 15% वेतन बढ़ोतरी का तीसरा विकल्प दिया गया। इसके लिए तय अवधि खत्म हो गई तो सरकार ने इसे 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। तो यही थी बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश के आज 180,000 कर्मचारियों को नया वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके अलावा तीसरा विकल्प न चुनने वाले लोगों को अतिरिक्त समय दिया गया है। तो 15 अप्रैल तक का ये समय दिया गया है, तो इस दौरान जो है ये तीसरा विकल्प को चुन सकते हैं। तो यही थी बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।